और असम में उठा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गोलाघाट में मंगलवार को हुई पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच और बुरी खबर ये है कि राज्य और केंद्र सरकार में आपस में ठन गई है, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। देखिए हिंसा पर सियासत। ये तस्वीर दहला देने वाली थी। एक तरफ वर्दीधारी हथियारबंद और उनके सामने आम लोग, गोली चलने लगी, एक के बाद एक गोलियां बिल्कुल सीधे लोगों की तरफ निशाना लगाकर, एक के बाद एक कई गोलियां दागी गईं निहत्थे नागरिकों पर। ऐसी गोलीबारी आखिर असम के गोलाघाट में मंगलवार को इस तरह से गोलियां चलाने का आदेश इन्हें किसने दिया? आखिर किसके कहने पर ये निहत्थी आम जनता पर इस तरह से निशाना साध रहे थे? हालांकि असम सरकार ने सफाई दी कि ये गोलियां रबर की थी। 22 people, civilian, they were injured, but no one is injured seriously, no one. Out of that only two, I was told that the bullet injury, or not bullet, what you call rubber bullet. CRPF is not involved in the firing, and if you see the visuals that are coming on the TV, the people who are actually wielding the guns and firing got on a red beret cap. Nobody there has got any bullet injuries. So they, obviously whoever is firing is also not firing with any intention of killing. देश के ही एक हिस्से में दो राज्यों के लोग सीमा के विवाद में एक दूसरे के खून के दुश्मन बने हुए हैं, और उस दुश्मनी पर भी सियासत। भले ही असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई कह रहे हों कि रबर की बुलेट फायर की गई है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वालों को जमकर पीटा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं पर भी लाठियां चलाई गई। यह विवाद 12 अगस्त से ही सुलग रहा था, जब नागालैंड सीमा से सटे गोलाघाट में कुछ नगा उपद्रवियों ने हमला बोलकर असम के 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, करीब 125 घरों में आग लगा दी। नागालैंड का कहना है कि गोलाघाट उनका है, जबकि असम सरकार उसके दावे को खारिज करती रही। तो इस घटना के बाद असम के गोलाघाट जिले के 7 गांव के करीब 10,000 लोग अपना घर छोड़कर भाग गए। हालांकि जवाबी कार्रवाई करते हुए असम सरकार ने आर्थिक नाकेबंदी शुरू की। आरोप है कि सड़क जाम कर माल ले जा रहे ट्रकों को नागालैंड जाने से रोक दिया गया। मंगलवार को भी पुलिस और सुरक्षा बल के जवान यही जाम खुलवाने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। असम सरकार का कहना है कि असल में केंद्र सरकार की उदासीनता इस बवाल की जिम्मेदार है। The government of India didn't bother to it. They are going to send. Just now, I spoke on 13. Then I took up the Prime Minister, so Home Minister also, Home Secretary also. You see, the responsibility of maintaining peace in the disputed area lies in the centre. This is wrong. I'm going to meet the Chief Minister tomorrow, both the Chief Minister and all the Chief Secretaries and DGs. Tomorrow. So, but can you just give us a sense of what really is going on? How can Chief Minister is saying is irresponsible statement from the Chief Minister? How can he say that? जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर तोहमत मढ़ने में जुटी हुई थी, उस वक्त भी असम का गोलाघाट सुलग रहा था। यहाँ अब लोगों की जाने जा रही हैं, हिंसा दिन रात उग्र होती जा रही है। जाहिर है ऐसे में सिर्फ तोहमत लगाने से जिम्मेदारी से नहीं बचा जा सकता। लोगों की जान सियासत से ज्यादा कीमती है, लेकिन जब तक इस पर सियासत खत्म नहीं होगी, तब तक मसले का हल निकलना मुश्किल है। विक्रांत दुबे, IBN 7।